पुणे में हुए सिलेंडर धमाके की खबर के साथ एलपीजी सिलेंडर का यह धमाका सतारा रोड पर डी मार्ट शॉपिंग सेंटर के पास हुआ है, जहां इस धमाके में सड़क किनारे की दुकानों में भीषण आग लग गई है और धमाके में दो लोगों के घायल होने की खबर है। तो महाराष्ट्र के पुणे में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई, ये तस्वीरें आ रही है, देखिए किस तरह से आग की लपटों को देखिए, और सिलेंडर ब्लास्ट शॉपिंग सेंटर के पास, महाराष्ट्र के पुणे में ये सिलेंडर ब्लास्ट, और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आग बुझाने के काम में लगातार लगी हुई हैं। अफरा तफरी का माहौल, पैसे कमी का। देखिए आग की भयावहता, देखिए लपटें ऊंची ऊंची उठती हुई, और फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश की जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पंकज केलकर का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, किस तरह से आग लग गई और अब क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, ये पुणे सातारा हाईवे पर है, शहर के बीचों बीच है, मुख्य सड़क पर है। बताया जा रहा है कि जो होम अप्लायंसेस वाला कोई शॉप है, उसमें देर रात तकरीबन 3 के करीब ऐसा बड़ा धमाका हुआ है, सिलेंडर का ब्लास्ट बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या जो अलग अलग उपकरण होते हैं जो कि रसोई में इस्तेमाल होते हैं, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि 2 लोग जख्मी होने की खबर है। जो दमकल विभाग है उनसे ये जानकारी मिल रही है कि 2 लोग जख्मी हुए हैं, उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस प्रकार से ये दुकान है, जो कि सड़क किनारे वाली दुकान है, उसमें जो स्पोर्ट हुआ है एलपीजी सिलेंडर का जो बताया गया है, उससे उसके परकत क्यों उड़ गए हैं। सड़क पर अगर आप देखिए नजर डालें तो तकरीबन 50 से 60 फीट तक उसके जो दुकान के टुकड़े हैं या जो अप्लायंसेस है उसके जो उपकरण के जो टुकड़े हैं वो वहां तक पहुंचे हैं। तो रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट का ही एक वजह है या कुछ और, इसके बारे में छानबीन पुलिस के द्वारा पुष्टि होने के बाद ही पता चलेगा। 2 लोग जख्मी हुए हैं, वैसे तो ये बहुत भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, लेकिन देर रात ये इस प्रकार से सिलेंडर में ब्लास्ट होने से जो सिर्फ वहाँ पे मौजूदा 2 लोग थे वो जख्मी हुए हैं, और अगर ये दिन में ब्लास्ट होता तो जख्मी या और की हानि ज्यादा हो सकती थी। आशुतोष, बिल्कुल, प्रशासनिक अमला मौके पर होगा पंकज, और फायर ब्रिगेड की कुल कितनी गाड़ियों को उतारा गया है इस आग पर नियंत्रण करने के लिए? तकरीबन 6 से 7 दमकल विभाग की जो फायर टेंडर्स होते हैं, फायर फाइटिंग गाड़ियां होती है, उनको उतारा गया है। देर रात की जब आग बुझाई गई है, लेकिन जो ब्लेजर का ब्लास्ट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा ऐसा महसूस होता है। जो कारण है वो अभी तक उसकी पुष्टि हो नहीं पाई है, सिर्फ सिलेंडर का ब्लास्ट बताया जा रहा है। ठीक है पंकज, आप नजर बना के रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए।